यार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई हो चुका है खत्म, जहां पर को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कंफर्टेबली 5 विकेट से हरा दिया है और हम लोग तीनों फॉर्मेट में अब नंबर 1 भी बन चुके हैं। तो यार मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। लेकिन कल का जो मैच है ना, उसे आप लोगों को किस तरह याद रखना चाहिए बताया कि यार दोनों टीम्स ने कितनी ज्यादा मिसफील्डिंग की। सबसे पहले अय्यर ने कैच छोड़ा, दूसरा केएल राहुल ने कैच छोड़ा, तीसरा जब ऋतुराज गायकवाड 17 रन पे था, जॉस इंग्लिश ने उसका कैच छोड़ दिया, केएल राहुल का कैच मतलब यार एडम जंपा ने अपनी बॉल पे छोड़ दिया, फिर सूर्या का कैच मार्कस स्टोइनिस ने भी छोड़ दिया। यार इतनी ज्यादा मिसफील्डिंग्स कल देखने को मिली, इतने ज्यादा कैच ड्रॉप्स हमें देखने को मिले। और सही बताऊं कल का मैच उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था यार, बोरिंग वाली कैटेगरी में डालूंगा। लास्ट में थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो गया था, लेकिन जिस तरह से इंडिया खेल रही थी मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, जहां पर मैं इस मैच में हुए बेस्ट और वर्स्ट के बारे में बात करूंगा। आज मैंने बेस्ट नंबर रन रखा है हमारे ओपनर्स को। भाई कल इन दोनों ने जो बैटिंग की है ना, सही में मजा आ गया यार। ऋतुराज गायकवाड, शुभमन गिल डेफिनेटली यार फ्यूचर के सुपरस्टार्स हैं। जैसा कि मैं मतलब यार कहते हुए आ रहा हूं, ऋतुराज गायकवाड मुझे रोहित शर्मा टाइप का लगता है और शुभमन गिल मुझे विराट कोहली टाइप का लगता है। भाई ये दोनों ना उस चीज को प्रूफ भी कर रहे हैं। कल क्या कमाल की बैटिंग की यार इन दोनों ने, जो कवर ड्राइव्स मार रहा था ना ऋतुराज गायकवाड, आहा भाई क्या मजे आ गए सही में। और शुभमन गिल का वो जो शॉर्ट आर्म जैब था, दोनों ने बहुत ही ज्यादा कमाल की इनिंग्स खेली। अब मैं फ्यूचर में देखना तो चाहता हूं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेकिन कल जो इन लोगों ने बैटिंग की ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं बताया कि इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए या फिर यार जायसवाल को मिक्स में लाना चाहिए। लेट्स सी मतलब यार फ्यूचर में कैसा होता है। लेकिन जो भी कल मैंने देख रखा है ना, मैं तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं इन दोनों बंदे से। काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट था दोनों के लिए कि यार एक बंदा 71 में आउट हो गया, दूसरा 74 में आउट हो गया, लेकिन दोनों कल मिलियन डॉलर बेबीज लग रहे थे। खासकर गिल के लिए जो ये इनिंग थी ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो बंदा है ना वर्ल्ड कप में भी खेलने वाला है। आई जस्ट होप यार गिल इस फॉर्म को वर्ल्ड कप में भी कंटिन्यू करेगा और वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर बनकर उभरेगा भाई। आज मैंने फर्स्ट नंबर रन रखा है हमारी फील्डिंग को। जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आ रहा है ना भाई, हमारी फील्डिंग बहुत ज्यादा घटिया होती जा रही है बताए। पहले हम लोगों ने नेपाल के खिलाफ बहुत बेकार वाली फील्डिंग की थी, फिर कल का मैच देख लो भाई, कल तो जो गंदी वाली फील्डिंग हो रही है ना, इजी कैच छोड़ दिया श्रेयस अय्यर ने, ईशान किशन ने मिस फील्डिंग की और केएल राहुल के तो क्या ही कहने भाई, कीपिंग उस बंदे से कल हुई नहीं है। बहुत ही ज्यादा मिजरेबल रहा बिहाइंड द स्टंप। सबसे पहले उसने वार्नर का कैच छोड़ा, दूसरा उसने रनआउट मिस किए, इजिली बॉल को ग्रैब भी नहीं कर पा रहा था। तो उसकी जो कीपिंग है ना भाई, कल तो बहुत ही ज्यादा खराब रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा काइंड ऑफ यार ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वो प्रैक्टिस मैच है, तो ज्यादा मतलब यार घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ये बोलने लगे होंगे कि यार ईशान किशन को कीपिंग करनी चाहिए एंड ऑल, बट आई थिंक यार केएल राहुल पे आपको भरोसा करना चाहिए। एशिया कप में वो बंदा अच्छी कीपिंग करते हुए भी आ रहा है, तो ये सिर्फ एक मैच का काम है। मैं मतलब यार इससे केएल राहुल को जज नहीं करने वाला हूं, तो केएल राहुल की कीपिंग मैं मतलब यार उस पर भरोसा करता हूं। आई थिंक ही शुड स्टिक विद इट। और वर्ल्ड कप से पहले वैसे भी यार दो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बचे हुए हैं, अगर जज करना होगा इन दो मैचेस के बेसिस पे करेंगे, बट आई थिंक ओवरऑल केएल राहुल की जो कीपिंग है वो काम कर जाएगी। लेट्स होप यार वर्ल्ड कप में कोई ऐसी गलती ना हो। अब आज मैंने बेस्ट नंबर 2 में रखा है सूर्य कुमार यादव को। देखो मैं एक मैच के बेसिस पे ही नहीं कहने वाला हूं कि सूर्य कुमार यादव इज बैक या फिर बीसीसीआई ने जो इसे वर्ल्ड कप में लेने का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था, ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। लेकिन कल इस बंदे ने 50 मार रखी और वहां पर को केएल राहुल के साथ जो इसने पार्टनरशिप की ना, डेफिनेटली दैट वाज इंप्रेसिव। और यार ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरह से बैटिंग करनी चाहिए ना, धीरे धीरे मुझे मतलब यार इसकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिख रहा है बताए। देखो यार आपने एशिया कप में इस बंदे को बहुत ज्यादा झाड़ू वाला शॉट मारते हुए देखा होगा, कल आप लोगों ने गौर किया होगा तो आपको ये पता होगा कि यार इस बंदे ने कल झाड़ू शॉट नहीं लगाया। इनफैक्ट ये जो बंदा है ना स्ट्रीट में ज्यादा खेला था, दिस इज अ गुड थिंग। इसका मतलब क्या है बताया कि ये बंदा ना ओडीआई में साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, जो कि यार हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो बंदा है ना वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सेलेक्ट हो रखा है। अब वहां पर को खेलता है नहीं खेलता है वो अलग बात है, लेकिन मान लो अगर ये बंदा वर्ल्ड कप में खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये जितने ज्यादा रन बनाएगा ना, डेफिनेटली वो चीज इसके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने वाली है। यार कल की जो इनिंग थी ना सूर्य कुमार यादव की, दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, बिकॉज उन दोनों ने इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रखा है। एंड आई होप यार सूर्य कुमार यादव इनको इस वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आज मैंने फर्स्ट नंबर 2 में डाला है ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट को। यार मुझे ऐसा लगता था ना हमारा ही मैनेजमेंट बहुत ज्यादा गलतियां करता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट भी यार ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर ही देता है। कल मैथ्यू शॉट इनकी तरफ से खेल रहा था, जो कि यार एक प्रॉपर ओपनर है, उस बंदे से ओपनिंग ना करवा के उसे नंबर 8 में खिला रहे हैं और यार मिचेल मार से ओपन करवा रहे हैं। भाई कहां है तुम्हारी बुद्धि यार, मुझे तो समझ में नहीं आया उस बंदे का क्या गंदा वाला वेस्ट किया यार। बोलिंग में वो बंदा पिटा डेफिनेटली, लेकिन यार नंबर 8 में उसे क्यों खिलाया, उससे ओपनिंग करवा लेते अगर ट्रेविस हेड नहीं था तो। मिचेल मार वैसे भी यार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो वहां पर को उससे बैटिंग करवा लेते, पता नहीं यार क्या सीन चलते रहता है। सारी टीम्स के साथ यही वाला सीन है पता है, ये जो भी मैच हारते हैं ना ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से हारते हैं। हम लोग भी पिछले कुछ मैचेस में मतलब ऐसी गलतियां करते हुए हारते हैं और हमने भी भुगता है, कल इन लोगों ने भी भुगता है। यार आई होप यार ऑस्ट्रेलिया वाले अगले मैच में इस गलती को ना दोहरा है, क्योंकि यार मैं एक अच्छा मैच चाहता हूं। आई होप यार स्टार्क वापस आ जाए, बिकॉज उसके बिना इनकी जो टीम है ना कुछ खास लग नहीं रही है, इनका बोलिंग वाला डिपार्टमेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है। लेकिन कल जो इन लोगों ने मैथ्यू शॉट को इतना नीचे खिलाया था ना भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था यार। अब आज मैंने बेस्ट और वर्स्ट वाले सेक्शन में रखा है मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर के बीच में जो एक कनेक्शन बन गया ना भाई, उसे देखो। कल मोहम्मद शमी ने कमाल के 5 विकेट ले रखे हैं, तो डेफिनेटली उस बंदे की तारीफ करनी तो बनती है, सारा क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। अब मुझे मतलब यार अपनी जो पेस अटैक है ना उसमें बहुत ज्यादा भरोसा आ गया है। जसप्रीत बुमराह आपको पता ही है कमाल के फॉर्म में, सिराज ने मतलब यार पिछले एशिया कप के फाइनल में 6 विकेट लिए थे आपको याद ही होगा, और कल जिस तरह की बोलिंग मोहम्मद शमी ने करा रखी है डेफिनेटली यार वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इसी बीच में एक डिबेट भी स्टार्ट हो गई है कि मोहम्मद शमी को
टीम में होना चाहिए या फिर शार्दुल ठाकुर को होना चाहिए। अब देखो शार्दुल ठाकुर के साथ सीन क्या है ना, वो बंदा विकेट लेता है तो लोग कहते हैं कि यार ये बंदा कहां से विकेट ले लेता है किसी को नहीं पता, उसे उसी के विकेट के लिए क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो बंदा एक मैच में पिट गया तो भाई सारे के सारे ट्रोल्स हाजिर हो जाते हैं उसे बहुत गंदा वाला ट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत ही गलत चीज है यार। शार्दुल ठाकुर ने पिछले एक दो सालों में जो किया है ना ओडीआई क्रिकेट में, भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इतने ज्यादा विकेट्स लेके गया है तो कैसे एक झटके में, मतलब यार आप उसे टीम से बाहर करने की बात कर रहे हो, वो बंदा ना टीम में बैलेंस लेके आता है। तो मैं उस बैलेंस को देख रहा हूं, पता है वो बंदा बॉलिंग कर सकता है, विकेट डेफिनेटली ले सकता है, ठीक है। शमी ने कल मतलब यार 5 विकेट ले रखे हैं, लेकिन यार आपको शार्दुल को भी नहीं भूलना चाहिए, वो बंदा भी ले सकता है भाई 5 विकेट, ऐसी वाली बात नहीं है। एडिशनली वो बंदा बैटिंग भी कर सकता है, अब वो अलग बात है यार पिछले कुछ टाइम से वो बंदा बैटिंग कर नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यार वो बंदा एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से मैं अभी भी मतलब यार शार्दुल ठाकुर को टीम में देखना चाहता हूं। आप लोग किसे मतलब यार टीम में देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। यार आज की जो वीडियो है ना वो बस इतनी है, होप आपको पसंद आई होगी।